हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेट पैराडाइज। तो हम आज के अपनी शॉप पे आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ा बिजी रहता हूँ, थोड़ा काम में शॉप पे अकेला है इसीलिए। तो आज देखेंगे रॉयल कैन पे, रॉयल कैन ब्रीड के हिसाब से आते हैं। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 25 किलो वेट, किसी में वेट के हिसाब से लिखा है 11 से 25 और जैसे 26 से 44 किलो वेट लिखा है। तो थोड़ा दिख नहीं रहा, तो चलो जूम करके देख लेते हैं थोड़ा पास जाके। ये अपनी दुकान थोड़ी ऐसी दिख रही है दूर से, तो चलते हैं शॉप के थोड़ा क्लोज रॉयल कैन की तरफ। हाँ, तो ये देखें रॉयल कैन, ये लगे पड़े यहाँ से नीचे से ऊपर तक। हाँ, तो ये लगे, जैसे ये आता है जाइंट जूनियर, इसमें लिखा है 45 किलो वेट, 45 किलो अडल्ट ओवर वेट। इसी में जैसे 26 किलो लिखा है, 26 से 44 किलो अडल्ट वेट, और इसमें 45 किलो अडल्ट वेट, और 11 से 25 मीडियम वाले में, और 10 से 10 किलो लिखा है। तो ये वेट क्यों लिखा रहता है, ये अडल्ट वेट लिखा रहता है। मतलब जैसे जिसका 26 से 44 किलो वेट है, ये उस ब्रीड के हिसाब से, तो ये रॉयल कैन उनके लिए होता है। ये पप्पी वाला 3 महीने से लेके 15 महीने तक मैक्सी पप्पी चलता है, जिनका वेट 26 से 44 किलो तक जाता है, जब एडल्ट हो जाता है वो, तो उनके लिए चलता है ये। स्टार्टर फूड चलता है 1 महीने से लेके 3 महीने तक के लिए बच्चों के लिए। 2 महीने से बाद खिला सकते हो आप, पप्पी खिला सकते हो, उससे पहले ये स्टार्टर ही चलता है। और ये आता है मीडियम पप्पी, ये 11 से 25 जो वेट लिखा है, एडल्ट वेट लिखा है। जब ये आपके डॉग 11 से 25 मतलब जब वो अडल्ट हो जाएंगे, तब उनका वेट 11 से या 25 किलो वेट में जाएगा, वो मीडियम ब्रीड के डॉग में हो जाते हैं, वो मीडियम ब्रीड में आते हैं वो डॉग। ये साइज़ के हिसाब से इसमें न्यूट्रिशन दिया गया है, जो ब्रीड के हिसाब से बनाया है कंपनी ने, तो उनके साइज़ के हिसाब से, उनके साइज़ और उनको देख के, ब्रीड को हिसाब से देख के उनमें न्यूट्रिशन डाला है। और जैसे आता है ये मिनी पप्पी 10 किलो वेट, अडल्ट वेट अप टू 10 केजी, जिनका डॉग 10 किलो वेट तक जाता है, 1 किलो 2 किलो 5 10 10 तक मैक्सिमम जाता है, वो मिनी ब्रीड में आते हैं। और जो 3 महीने प्लस हैं उनको खिला सकते हैं ये मिनी पप्पी। और ये फिर इसका आता है स्टार्टर, पप्पी के बाद आता है स्टार्टर, मिनी स्टार्टर। मिनी स्टार्टर ये 1 महीने से लेके 3 महीने तक के बच्चे के लिए स्टार्टर फूड चलता है, पहले वो खिला सकते हैं। फिर स्टार्टर के बाद पप्पी आता है, इसके बाद आता है अडल्ट, इसके बाद ये अडल्ट आता है खिलाने के लिए। स्टार्टर आता है, फिर पप्पी, फिर अडल्ट। ये 2 किलो और 4 किलो की पैकिंग ब्रीड के हिसाब से अलग अलग। और ये आता है, ये फिर और आगे देखते हैं, ये मैक्सी अडल्ट 5+ ईयर्स, जैसे इसमें लिखा हुआ है 5+ साल जो डॉग होते हैं उनके लिए ये अच्छा है, उनके डॉग के लिए इसमें 5+ ईयर स्पेशल बनाया है जर्मन से, मतलब ऑल ब्रीड के लिए। और फिर आता है ये लैब्रा पप्पी, स्पेशल लैब्रा के लिए ब्रीड के हिसाब से बनती है इसमें न्यूट्रिशन। लैब्रा पप्पी 3 महीने से प्लस होता है जो, उसके लिए ये लैब्रा पप्पी। ये 1 किलो 3 किलो मतलब 12 किलो की पैकिंग में आते हैं, ठीक है, जिसका स्पेशल, इसमें कोई, जैसे इसमें कोई वेट नहीं लिखा, 26-44 कुछ नहीं लिखा इसमें, तो ये लैब्रा के लिए स्पेशल है, ओनली लैब्रा के लिए। और ये फिर लैब्रा का ये अडल्ट आता है, लैब अडल्ट करके, ये लैब्रा के लिए स्पेशल आता है, आप लैब्रा खिला सकते हैं। फिर ये आता है गोल्डन रिट्रीवर के लिए, गोल्डन रिट्रीवर पप्पी स्पेशल गोल्डन रिट्रीवर के लिए। और इसके आगे देखेंगे ये रोटविलर, रोटविलर पप्पी, ये रोटविलर के लिए होता है पप्पी 3 महीने+ के लिए। और फिर ये आता है बेबी मिल्क डॉग के लिए, जिनको उनकी माँ का दूध नहीं मिला हो तो आप ये दे सकते हो, 1 या 2 दिन के बाद से ये मिल्क दे सकते हो रॉयल कैन को। फिर ये इनकी छोटी पैकिंग आती है, छोटी पैकेज आ जाता है 1 किलो 800 ग्राम, 2 किलो ऐसी ऐसी, मिनी पप्पी, मीडियम पप्पी, मैक्सी स्टार्टर, मैक्सी पप्पी अलग अलग आ जाते हैं। और इसके ऊपर भी है लैब्रा पप्पी, जर्मन शेपर्ड, जर्मन शेपर्ड अडल्ट, इसके आज जर्मन शेपर्ड पप्पी। और ये फिर आ जाता है पग के लिए, पग अडल्ट ये 4 किलो की बैगिंग, ये इसके बगल साइड में
ये 2 किलो की पैकिंग है। उसके बाद ये आते हैं ये पग पप्पी और अंदर की साइड रखा है, और ये आता है सिड्डियों के लिए स्पेशल 2 किलो की पैकिंग है सिड्डी ऑर्डर। अब ये ब्रीड के साथ सबके अलग अलग बनाए हुए हैं उन्होंने, कोई ब्रीड के हिसाब से दे सकते हैं। और ये आते हैं कैट के लिए, पर्शियन कैट के लिए, जिनका पर्शियन कैट है अडल्ट उनके लिए ये आते हैं रॉयल कैन का ये ग्लास में। और ये पर्शियन किटन का आता है, पर्शियन कैट के लिए ओनली, इसको आप खिला सकते हैं। और ये तो सारे रॉयल कैन के पैकिंग हैं, इसमें ब्रीड के हिसाब से न्यूट्रिशन दिया, प्रोटीन दिया सब ब्रीड के हिसाब से। ये बाकी तो सबसे अच्छी कंपनी है, इसमें हालांकि जल्दी ग्रोथ होती है, जैसे आप स्मार्ट आर्ट खिला रहे हो, पेडिग्री खिला रहे हो या एल्स खिला रहे हो, उनसे जल्दी इसमें ग्रोथ होगी आपकी पप्पी की। कोशिश करें आप 1 से लेकर 3 महीने तक कम से कम रॉयल कैन खिलाएं, उसके बाद कोई अदर फूड में स्विच कर सकते हैं तो कर सकते हैं, करना हो तो आपको, नहीं तो फिलहाल 1 से लेकर 3 या 6 महीने तक आप कम से कम ये खिलाएं रॉयल कैन, फिर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलो ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए रॉयल कैन पे इतना ही।